जब मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ, मीराबाई जन्म से ही श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत रुचि लेने लगी थी और वह बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, जिसके कारण वह और किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। परंतु मीराबाई के विरुद्ध जाकर उनके परिवार वालों ने उनकी शादी जबरदस्ती उस समय के मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया। अपनी विदाई के समय मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ लेकर गए, जिसे वो बचपन से ही अपने पास रखती थी। विवाह के कुछ सालों बाद मीराबाई के पति की मृत्यु हो गया, जिसके बाद मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और गया। वह द्वारिका तथा वृंदावन जाकर कृष्ण की भक्ति में भजन कीर्तन करती और वहाँ के संतों के साथ रहती। कहा जाता है कि एक बार जन्माष्टमी के दिन मीराबाई मंदिर में घंटों तक नाचती रही, गाती रही और श्री कृष्ण की भक्ति करती रही और एकदम से जमीन पर गिर गई। फिर मंदिर का दरवाजा अचानक से अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो मीराबाई का साड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपटा हुआ था। ऐसा देख वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। कहा जाता है कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो श्री कृष्ण में समाहित हो गई थी। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में एक बार अपने दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिख